કોઈ કે વેલે જાય ને માન દીએ દુજિયાને છું તો દુજિયાને છું દુજિયાને 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 છું દેખ ઇસકો ભી તું છી તું દેખ તો કિતની પ્યારો હે કે કરે રે ટ્રીટ છી તું શુઆ ક્યા હુઆ મેરે બચ્ચે કે એ મે કાલો અચ્છા આ ગયા આ ગયા મે આપને પૂછતો કે ચલ શબકો બેટા ઇતના છોટી સી થી ના મે વિડિયો દેખ રહી થી હટી જા હટી અકના રેડ જા ઇ જાનદી તું તો પોતા નતે બસ ગાય યથત વાણી હો ગાય કંટ્રોલ ये मारे यहाँ पे के पूछ के मोगली मोगली के मोगली ये तो कुछ ग्याली कर रहा है और आज इसको ना मूर्ख पड़ गई पता है ये बहुत ज्यादा तंग करती है ये आती नहीं कवर ही नहीं होती तो आज इसको मूर्ख पड़ गई है देखो और ये हमारी कालो है कालू लास्ट बार दे 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 तू तू अले पकड़ा बन ए बढ़िया गाय नहीं के जरा से आप नहीं मैं अपने मजे ने खड़ी की खुंटे जाए के ये नहीं मैं बांध रही थी हल्की थी बनो रही तो ये देखो इनको घास भी दे दिया हरा घास अभी और जो बाहर है ना वो तो मर भी सकती है अकेली नहीं रहती ना बच्चू तो अभी पूछ चुके हैं शाम के 7 बजने को अब मैंने कैमरा उठाया ना तो डर लगे बैठ के बात करती हूँ पर मेरे ना बहुत थकी हूँ आज तो ना तो मैंने कैमरा उठाया अभी तक और ना मैंने नाम डर लगे मैंने बस यहाँ साफ सफाई करी आज है मेरे व्रत ठीक है लग रहा है मुँह में तो आज मेरे व्रत है सोमवार का सावन तो और एक तो मक्खियों ने परेशान कर दिया हाँ मैं आपको बनाना कुछ थोड़ा जहाँ तो सुबह की दाल भी है सब कुछ है आज दिन को पता बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ 5-6 लोग आए थे धनी के पापा का हाल पूछने 2-3 निचले गांव के थे लता थी और कुछ यहाँ के थे तो फिर ये इनके पास बैठे थे मैं थोड़ी देर रेस्ट करने गई थी पर मेरे को नींद नहीं आई क्योंकि बाहर बातें कर रहे थे और अभी जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए खाना और फिर करेंगे पूजा भगवान भोलेनाथ की और देखते हैं कल जाती हूँ फिर दाड़ला नीलम शर्मा एक उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी अगर बताती तो मैं भी आती तो कल आना आप हम कल तो आ ही जाएंगे कल आना ही पड़ेगा और वो यहाँ पर नहीं पापा लेटे हैं वो देखो तो ये देखो नीचे तो खनन चला हुआ है जूते मैं आपको ना नीचे चल के वो दिखाती हूँ ग्रोथ कहाँ से होनी भाई ग्रोथ ना बिल्कुल रुक गई हर चीज की पीली पड़ती जा रही है क्योंकि ज्यादा बारिश भी ठीक नहीं होती और ज्यादा जो है सूखा भी ठीक नहीं होता बस बैलेंस जैसा होना चाहिए हर चीज का पर क्या करें भगवान के साथ किसी की मर्जी नहीं कर सकती तो चलो और थोड़ी बहुत बारिश तो हो ही जाती है दिन को क्या मांगे हो बेटा जिसने तो यहाँ पे मैंने एक दिन घास काटा था तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये भी यहाँ से उठाने पड़ेंगे लकड़ वगैरह थोड़ा सा घास रह गया मेरा यहाँ पे काटने को तो ये देखो मिर्चे काफी बड़ी बड़ी होगी और जो रह गई थी लगाने को ना वो रह ही गई वैसी मिर्ची नहीं होगी इस बार पर अरबी ना बढ़िया हो गई है और मैंने कल परसों तक ना बलेटुआ पत्ते लगाने देखो खाद नहीं इन मक्खियों को ये मक्खियां सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक है ये वाला गार्डन खेत हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक इसमें कोई बाहर की खाद नहीं देते और ये एक चीज है इस बार भाई एक बीमारी है ये फिल्ले जो है ना ये बहुत बरस रही है देखो पत्ते भी खा देती है ये देखो बड़ी जैसी दिखाती हूँ मैं आपको ये खीरे की बेल है जो बढ़िया चल रही थी एक फील हुए देखो वहां पे ये देखो इन्होंने बड़ा तंग कर रखा है ये देखो इसके ऊपर भी सेब के पेड़ के ऊपर देखो कितनी सारी है स्प्रे करेंगे इनके ऊपर देखते हैं तो हमारे ये सेब के पौधे हैं काफी बड़े हो चुके हैं जो कि और चलिए 2-3 मिर्चों के पौधे यहाँ मतलब यहाँ से उखाड़े ही नहीं हमने और एक पौधा ये यहाँ पे ये वाले जो पौधे थे ना एक चीज दिखाती हूँ ये देखो मक्की के पत्तों के ऊपर कितनी सारी हैं
ये बड़ी गंदी बीमारी है ना, ये वाला तो एकदम से बढ़ रही है। मक्की वगैरह और ये अरबी के पत्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने एक तो करेले की बेल ये वाली है, ये घास उखाड़ने को अभी तो नहीं उखाड़ूंगी। और ये यहाँ पे बेल थी जो की उखंगेरी होती है ना, उसकी बेल थी, मतलब वही के वही रह गया। बहुत ज्यादा बारिश से ना चीजें ग्रोथ नहीं करती। और हमारी ये सेब की डाली बहुत ऊंची जा रही है, ये देखो। और ये हमारे देखो टमाटरों में ना फूल पड़ गया, ये देखो। और ये करेले की बेलें भी ना नीचे ही हो रही हैं, खराब हो जाएंगी इस तरह से, बहुत बारिश है ना। लगा है वो देखो वहां पे, छोटू सा करेला लगा हुआ है। और ये टमाटर में फूल पड़ा हुआ है, ये देखो टमाटर के पौधों में। टमाटर बहुत महंगे हैं भाई। अच्छा हो गया अपने आप लगा दिए थे मैंने कुछ पौधे, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है फूल। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ हल्दी लगाई थी, और मेरा मन ना इस बार यहाँ से कुछ भी ले जाने का नहीं करता, क्योंकि यहाँ फिलने बहुत ज़्यादा है। और ये हमारी मिर्चें बहुत अच्छी होगी जो मैंने साइड साइड से लगाई थी ना, एक दो टमाटर, तीन चार डालियाँ बढ़िया चली है, दो डालियाँ तो ऐसे ही है बिल्कुल छोटी जैसी। अब इस साइड आते हैं, यहाँ तो कितना पानी था आप लोगों ने देखा था ना। और ये हमारे बैंगन के पौधे हैं, ये देखो ये बैंगन के पौधे हैं यहाँ पे। और ये रह गया देखो, कितने दिनों से मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये साफ करना, बारिश से मौका नहीं दे रही है, खेत के अंदर जाएं तो कैसे जाएं, यहाँ पे तालाब बना हुआ रहता है तो ये दिक्कत हो गई है। और यहाँ पे अब इससे आगे जो शिमला मिर्च है दिखाती हूँ आपको, ये आपको दिखाने के चक्कर में उतरी मैं इस, मैंने कहा काफी लोग बोलते हैं कि अपना गार्डन दिखा दिया करो, स्वाद दिखाना गार्डन, यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है। ये देखो ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, ये जो ये वाले हैं ना। अब मैंने इस साइड के अरबी के पत्ते काटने थे, क्योंकि इनको ना धूप नहीं पहुंच रही है, तो बहुत सारी अरबी तो बहुत सारी है। और ये देखो मूली, मूली दिखाती हूँ आपको, ये देखो नीचे ये नई, मतलब मूली के बीज यहाँ गिरे हुए थे ना, तो ये मूली है। साग बनना था ना का बहुत बढ़िया, पर भाई मन नहीं करता खाने का। मैं अदरक दिखाती हूँ आपको जो निकल चुका है ना, और दो तीन हमने वो किए थे। ये देखो भिंडी के पौधे ना सब यहाँ पे खत्म हो गए थोड़े दिन पहले, एक दो ही बचा है। और ये है अदरक, ये वाला अदरक है, ये होता है अदरक, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो ये है अदरक। ठीक है, कुछ मिर्चों की डाली यहाँ पे ऐसे ही लगा दी थी मैंने, अब ये घास उठेगा तब अदरक दिखेगा, वैसे अदरक नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं इस वाली तरफ, इस साइड, तो इस साइड जो है ये पहले, इस साइड जो पहले थी अरबी लगाई हुई ना, ये वो है, ये हमारा घर है वहाँ। ये देखो और नीचे इतने टक टक लगी है, आवाज की डिस्टरबेंस हो रही है, तो प्लीज इग्नोर करना। हाँ, और ये कुछ मिर्चे इस साइड है, इनका भी घास उखाड़ने को हुआ है, पर कैसे करूं यहाँ पे होता ही नहीं है, जाया नहीं जाता खेत के अंदर, इतनी बारिश हो रही है, बुरे हाल। पेचकस मंगा रहा है, देखो कितने प्यारे पक्षी बैठे हैं चार पांच ऊपर, ये उस पे बैठे ग्रिल के ऊपर की। देखो ये ने, ओ देखो ऊपर दिख गिड़ भाग गई मीटर दिख तू, ये देखो। और बिल्ली हमारी शिकार के चक्कर में, क्या क्या बॉक्स हरा नहीं है, लाल है, चार मुंह आया तो कहते नहीं है। हाँ, ये देखो
और बारिश के बाद ये कंडीशन हो चुकी है, क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते। अब बनाऊंगी मैं व्रत का खाना, और फिर सोमवार, हर सोमवार को होते व्रत कई तो ना, रोज करते हैं सावन महीने में रोज। इतनी ला ऐसा अब मेरे से ना हिला नहीं जा रहा, मेरा मन ऐसा करता है कि मैंने रेस्ट करना था, तो मैं वीडियो एंड भी कर रही हूँ। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी, राम राम। कहीं नहीं गए आज, कल जाएंगे, है ना। तो चलो एक बार फिर से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबके कष्ट दूर करे और इन आपदाओं से दूर रखे, बस यही प्रार्थना है भगवान जी से। बहुत हो गई, बहुत तबाही हो गई, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, जय माता दी।